जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, अगर आपने भी फॉर्म भरा है TGT PGT का या नहीं भरा है तो 3 जुलाई से पहले भर ले। अगर भर लिया है और फॉर्म में हो गई है गलती तो अब क्या करें? तो बच्चों, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा जिससे आपका फॉर्म जो है वो सही हो जाए और डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट कब घोषित होगा और यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये बच्चों, आपके सामने है टीजीटी का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जिसमें बताया गया है कि कब से आप फॉर्म भर पाएंगे और कितनी वैकेंसी है, यानी टीजीटी की संपूर्ण डिटेल इस नोटिफिकेशन में है। जैसे ही हम नोटिफिकेशन यहाँ पर आएंगे 1.9 पर, इसमें बताया गया है ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः आप सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरे एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर ले। जैसे इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आपने अगर फॉर्म भरा है और उसमें भरते टाइम कुछ भी गलती हो गई है, जैसे नाम की स्पेलिंग, पापा के नाम, जन्मतिथि या मार्कशीट का कोई रोल नंबर या स्कूल कोड कुछ गलत हो गया है, तो वो दोबारा से उस फॉर्म में सही करना बिल्कुल भी नहीं है, यानी वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसी में ही एक पॉइंट और दिया गया है 11, उसको देखते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे, ये रहा यहाँ पर 11.6, इसमें क्या बताया गया है, प्रत्येक विषय एक वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यानी अगर आपने सोशियोलॉजी से अपना फॉर्म फिल किया है या किसी और भी सब हिंदी से किया है तो एक पत्र ही आपका मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन ही मान्य होगा, शेष निरस्त समझे जाएंगे। तो बच्चों, आप सब समझ ही गए होंगे, अगर आपका एक फॉर्म पहले वाला गलती हो चुका है तो आप अपना नए सिरे से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऐसे में आपका पहला जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त हो जाएगा और दूसरे वाला यानी जो न्यू आपका रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ वही मान्य होगा और आप एग्ज़ाम भी नए वाले रजिस्ट्रेशन का देना, पुराने वाले रजिस्ट्रेशन पर एग्ज़ाम भी मत देना, तभी वो निरस्त माना जाएगा। फॉर्म में गलती हुई है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं, 750 रुपये फीस आपको दोबारा भरनी होगी। EWS से है तो 450, SC 450 और ST 250 रुपये आपको ये फॉर्म करना ही होगा। वो मैंने बताया TGT का, अब बात करते हैं PGT की। इसमें भी सेम यही अप्लाई होता है और देख सकते हैं आप, ये रहा 1.9 लाइन में लिखा गया है कि आप पहले से ही अपना फॉर्म को अच्छे से चेक करके भरे। और नेक्स्ट पॉइंट भी इसमें भी सेम ही दिया गया है, ये रहा प्रत्येक विषय के लिए एक ही आवेदन मान्य होगा। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, आपको हिंदी, कला, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, आपका जो भी विषय है उन सभी विषय की बुक्स जो है टीजीटी पीजीटी के लिए अवेलेबल है। आपके नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर पर आप यहां से परचेज कर सकते हैं। अभी तक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी ऑनलाइन भी। इन सभी बुक्स में देखिए, आपको प्रीवियस पेपर
सोल्व्ड मिलेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स भी आपको अवेलेबल है चैप्टर वाइज। और अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश भी आपको इन बुक्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे 2500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में, कला में, ठीक है। इस प्रकार से आपको हर विषय की बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आप लोग समय को वेस्ट ना करते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर भी देख सकते हैं, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालक संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। इसका मतलब है जो पुरुष है वो केवल बालक वर्ग पर ही अप्लाई कर पाएंगे और जो महिलाएं हैं वो पुरुष बालिका और बालक दोनों वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें भी सीट ज़्यादा होगी उसी में ही मुझे लगता है कि बालिका भी वहीं पर अप्लाई करेगी। अब बात करते हैं डीएलएड सेमेस्टर रिजल्ट कब तक घोषित होगा, तो 28 तारीख के आसपास तक जून में ही इसी माह में आपकी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और जुलाई के दूसरे हफ्ते में आपके रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। और डीएलएड जो 19 बैच है उसका सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी मार्कशीट कब आएगी इस पर भी जल्दी एक वीडियो आने वाली है। यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं 14 जून को बेसिक शिक्षा विभाग में प्रस्ताव पर भी मोहर लगी थी और जल्दी आने की उम्मीद है। वैकेंसी क्लियर नहीं है कितनी आएगी और जल्दी ही आने वाली है। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि वैकेंसी आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाती, पहले से ही अपनी अच्छे से तैयारी करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर आपका कोई कमेंट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, जल्दी ही उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।